हेलो व्यूअर्स, की हाल चाल। आज स्पाइसी मखना दी किचन च बनन जा रहे आलू दे परौंठे। अरे अरे, सिंपल आलू दे परौंठे नहीं हैगे, ये हैगे तंदूरी आलू परौंठे। और हम घर पे किस तरह तंदूर के आलू के परौंठे बना सकते हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना। आलू के परौंठे के लिए लिए हम लोगों ने 4 उबले आलू, थोड़ा सा अदरक डालेंगे उसमें, 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। अब इसके अंदर हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे। इसमें डलेगी लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। धनिया पाउडर, इसमें पड़ेगा नमक, नमक भी आपका स्वाद अनुसार जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मैश करेंगे। इसको एकदम पतला पतला मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े टुकड़े आलू के इसमें अंदर रहने चाहिए। याद है आपको ढाबे में किस तरह मिलता है, कभी भी पूरा मैश किया हुआ नहीं मिलता है। इस तरह के थोड़े थोड़े आलू के उसके अंदर पीसेस होते हैं, मज़ा तभी आता है खाने का। तो इसको हम करेंगे फटाफट मिक्स। ये हमने अपना तंदूर लिया है, ये तंदूर इस तरह दिखेगा, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। और इसके पीछे आप देखेंगे मोरियां हैं ताकि उसकी जो हीट है वो निकल सके। मैंने तंदूर को गर्म करने के लिए जाली रखी है और जाली के ऊपर मैंने तंदूर रखा है। और इसको हम 5 मिनट के लिए पूरा हीट करेंगे, अच्छी तरह इसको गर्म कर लेंगे और फिर हम अपनी तंदूरी रोटी इसके ऊपर डालेंगे। जब तक ये गर्म होता है तो चलिए हम बनाते हैं अपना आलू का परांठा। हमने छोटी लोई लेनी है, बड़ी लोई नहीं लेनी, क्योंकि हमारा जो तंदूर का साइज है वो थोड़ा सा छोटा है। एक छोटी सी लोई लेंगे, इसको हम सूखे आटे में लगाएंगे, सूखा आटा इसके ऊपर, और इसको थोड़ा थोड़ा रोल करेंगे। रोटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इसमें जो हमारा मिक्सचर है इसको हम डालेंगे, अच्छी तरह इसको इसमें डालिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लीजिएगा ताकि जो भी मॉइस्चर होगा वो इसी में इसको सोख लेगा और वो हमारा उससे परौंठा फटेगा नहीं तंदूरी। अब इसको हम बंद करेंगे, ये देखिए इसको हमने कर दिया है बंद। और इसको पतला नहीं बेलना है, हमने इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। फिर से सूखा आटा हम इस पे लगाएंगे और इसको बेलेंगे। देखिए हमारा जो तंदूर का साइज है वो इतना ही है, तो हम इसको बस इतना ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा इसको हम नहीं करेंगे। और इसकी जो मोटाई होगी वो इतनी रखनी है आपने, ज्यादा पतला रखेंगे तो तंदूर में वो जो आपका परौंठा है वो फट जाएगा। थोड़ा सा मोटा रखिए। अब हम अपने तंदूर की साइड पे चलते हैं। देखिए तंदूर को मैंने हीट करने के लिए रखा था, तंदूर बहुत अच्छी तरह से हीट हो गया है। अब हम इसको तंदूर को उल्टाएंगे, हमने ये जो साइड है बाहर की जो परत है यहाँ पे लगाने हमने परौंठे। अब देखिए परौंठा मैं कैसे लगाती हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो परौंठा है इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये वाली परत आपकी नीचे जाएगी तंदूर पे, ताकि इससे जो आपकी परौंठा है वो चिपक जाए। ये देखिए ये हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा साइडों से आप प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। और इस तंदूर को हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे और बाकी की सारी परौंठे हम इस पे लगाएंगे। देखिए हमने जो परौंठे हैं वो ऑलरेडी देखिए कैसे चिपक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आंच को थोड़ी सी तेज करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए इसको उल्टा देंगे। आप कहेंगे जाली क्यों रखी, हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकते। अगर आप इसको डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे अपने इसके ऊपर, तो आपको इसको हवा नहीं मिलेगी और आपका जो है ये तंदूर और गैस दोनों बंद हो जाएंगे। जाली इसलिए रखी है ताकि आपका हवा भी मिलती रहे, तंदूर भी गर्म रहे और अंदर परौंठे सिक जाए। अब ये चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया सिकेंगे। इसको 2 मिनट तक ऐसे रखना है, 2 मिनट। देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, अब इसको उल्टा के देखते हैं। अरे वाह, देखिए कितने सुंदर परौंठे बने हैं। अभी ये उतरे नहीं है, इसका मतलब अभी पीछे वाला जो पोर्शन है वो बना नहीं है। हम इसको थोड़ा सा उतार के देखते हैं कि ये बना है कि नहीं बना है। एक आप चाकू लेंगे, चाकू की मदद से इसको उतारेंगे। अगर ये बड़े आराम से उतारा तो इसका मतलब पीछे वाला पोर्शन जो है आपका, देखिए ऑलरेडी बन चुका है, पक चुका। देखिए अब हम इसको पकाते हैं। देखिए किस तरह हमारे आलू के तंदूर के आलू के परौंठे फूल रहे हैं। अगर आप इसी तरह बनाएंगे जो रेसिपी मैंने बताई है, आपके आलू के परौंठे बहुत फूलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और इसको हम जाली के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी सेक हम धीरे करेंगे
और इसको जाली के ऊपर इसको और कड़क बनाएंगे। देखिए पीछे से 2 मिनट भी नहीं लगे हैं कि ये हमारा जो तंदूरी परांठा है रेडी है। जाली हम करेंगे बंद और इसके ऊपर आप इसको घी के साथ परोसिएगा, मक्खन के साथ परोसिएगा, जिसके साथ आपका दिल करता आप उसके साथ परोसिएगा। मैं इसको सर्व कर रही हूँ दही के साथ। मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है और अदरक और मिर्ची का अचार। इंजॉय कीजिएगा आप अपना संडे।